हेलो स्टूडेंट एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है स्टूडेंट यह वीडियो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दिस वीडियो ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर स्टूडेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट यानी तीन लोग पढ़ सकते हैं और पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी जाती है वीडियो खास करके यूपी बोर्ड के लिए बनाई जा रही है आप अदर बोर्ड्स हैं तो भी देख सकते हैं लेकिन सिलेबस मैच करने के बाद साथ ही इस वीडियो को कंपिटेटिव एग्जाम जैसे ए यू पी पी सी एल ग्रुप डी वगैरह एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप पढ़ सकते हैं लेसन टू चल रहा है नंबर सिस्टम बता दो वीडियो का पार्ट सेवन चल रहा है इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एडिशन बाइनरी ऑफ एडिशन बाइनरी का सब्सट्रैक्शन एंड बाइनरी का मल्टीप्लीकेशन यानी इन तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है यानी बाइनरी नंबर को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं और उसको गुड़ा करते हैं तो सब कुछ सीखेंगे लेकिन बता दूँगा वीडियो में नए हो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम इसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहते हैं और वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना यार क्योंकि वीडियो में आगे काफ़ी मजे आने है वाले हैं चलिए बिना किसी तरीके आज का वीडियो शुरू करते हैं देखिए इसको समझने से पहले आपको एक टर्म एंड कंडीशन मतलब क्या इसके नियम क्या होते हैं इसको आपको समझना पड़ेगा तो जो आपका पहला नियम होता है पहला नियम यदि मैं कहूँ जीरो में जीरो को जोड़ोगे तो हमें ज़ीरो प्राप्त होता है ये तो आपको भी पता है ठीक है अगर दूसरा मैं कहूँ जीरो में यदि वन जोड़ोगे तो वन प्राप्त होता है कहोगे तो मुझे भी पता है आइए अगला देखते हैं अगर मैं कहूँ वन में जीरो जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा <सथ> आप कहेंगे ये भी वन ही होगा अगर मैं कहूँ अगला जो है वन में वन जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा तो आप कहेंगे दो तो देखिए दो नहीं लिखते हैं दोस्त यहाँ पे आप लिखेंगे बाइनरी में तो वन और जीरो लिखेंगे ठीक है अगर वन वन जोड़ें तो वन जीरो लिखेंगे और जो वन होता है एक प्रकार से क्या होता है कैरी करते हैं ठीक है जब जोड़ेंगे जिसको कैरी में ले जाएंगे तो करने का मतलब वन जीरो कैसे लिखा हमने देखिए हमने बताया था वन टू फोर और एट होता है इस तरह से आगे बढ़ती सड़ी अगर मैं कहूँ दो को लिखना है आपको दो में तो इसको अगर बनाओगे तो इसको क्या लिखोगे वन जीरो लिखोगे तो इसके स्थान पर एक छिप जाएगा दो बच्चे का सिर तो इसी तरीके का उपयोग करके ये करते हैं क्योंकि हम यहाँ अगर दो लिख देंगे ना तो ये बाइंड्री में रही नहीं जाएगा और डेसिमल आपका डेसिमल नंबर सिस्टम या आकटल नंबर सिस्टम या कहें हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में निकल जाएगा तो इससे दिक्कत होती है तो इसलिए हमने इस फॉर्म में कर लिया तो

अब देखो यार इसको कैसे करेंगे हमने बताया वन वन कितना होता है वन वन जोड़ोगे जीरो होता है मतलब वन जीरो होगा लेकिन हम जीरो को लिखेंगे इस वन को कैरी लिख लेंगे उसको यहाँ पे लिखते हैं ठीक है फिर देखो वन और जीरो वन वन को देखिएगा वन वन को जोड़ेंगे फिर से जीरो आएगा और कैरी हमें वन मिल जाएगी यहाँ जीरो पड़ा हुआ है फिर जीरो में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा अब देखो वन में वन जोड़ो कितना हो जाएगा वन जीरो हो जाएगा तो जीरो तो यहाँ बचा रहेगा वन को आगे लिख देंगे और इसके साथ जीरो फिर वन है जोड़ेंगे तो वन आ जाएगा इसके साथ करेंगे तो वन जीरो कितना वन वन कितना होगा वन हो जाए मतलब वन जीरो होगा कैरी फिर एक चली जाएगी फिर यहाँ जीरो वन होगा तो यहाँ वन आ जाएगा और इसको वन को ऐसे उतार लीजिए तो आपका गाइस आंसर यही हो जाता है तो आपने देखा कितनी इमेजिन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया आइए इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को आपको हम बताते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए आइए चलिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं होमवर्क भी मिलेगा चिंता न करें होमवर्क भी मिलेगा मान लीजिए वन वन ज़ीरो वन वन है इस तरह से अब प्लस आ गया वन 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 इस तरह से आ गया मान लीजिए रैंडली सब कुछ ले सकते हैं वन वन चाइज इतना बढ़ा लीजिए कोई दिक्कत नहीं कि इतना बड़ा दिक्कत हो जाएगी तो देखिएगा वन वन जोड़ेंगे कितना होगा हमें पता है वन जीरो होगा तो हम जीरो लिखते हैं जो बचता है उसको कैरी लिखते हैं फिर देखिए वन जीरो जब करें वन वन करेंगे तो वन जीरो बनेगा तो वन जीरो में तो हम जीरो यहीं छोड़े रहेंगे और वन को यहाँ कैरी तुरंत लिख लीजिए फिर यहाँ जीरो पढ़ाए और जीरो में वन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा वन हो जाएगा फिर इसी तरीके से देखिए वन जीरो कितना होगा वन होगा वन जीरो देखिए यहाँ से वन जीरो वन हो जाएगा फिर यहाँ वन हो गया अब अब यहाँ से वन वन जब जोड़ेंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा और कैरी यहाँ वन आ जाएगा फिर वन वन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा कैरी वन चली जाएगी जीरो वन वन हो जाएगा फिर इसके साथ करेंगे वन जीरो हो जाएगा और यहाँ पे वन आ जाएगा और कैरी तो हमारी यहीं पड़ी रहेगी तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे तो गाइस आपका जो सेकंड आंसर है ना वो इसी तरीके से कुछ हो जाएगा तो देख रहे हैं ना कितना इमेजिंग तरीके से कर रहे हैं इसी तरीके से यार हम बड़े बड़े भी क्वेश्चन कर सकते हैं आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फिर बड़ा वाला भी आपको हम बताते हैं देखिएगा क्या होगा वन वन जीरो वन प्लस कर दें वन जीरो वन जीरो मान लीजिएगा इस इसको हमको ऐड करना है तो अब हम क्या करेंगे अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे वन और जीरो हम देख रहे हैं वन जीरो कितना होगा वन होगा जीरो में वन जोड़ेंगे कितना होगा वन होगा देख सकते हैं यहाँ से तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए फिर इसी तरीके से देखिए वन में जीरो जोड़ेंगे तो वन हो जाएगा लेकिन वन वन जोड़ेंगे तो पता है वन जीरो आता है वन जीरो आता है तो वन को यहाँ लिखेंगे जीरो को यहाँ लिखेंगे जो वन होता है कैरी एक प्रकार का होता है तो गाइस आपके आंसर जो है ना वो यहीं पर हो जाएंगे अब आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अब देखिए अगर मैं कहूं कि इसका प्रूफ दिखाइए ठीक है अगर मैं कहूं इसका प्रूफ दिखाइए आपने सही किया है या नहीं किया है आइए देखते हैं हम लोग तो देखिए कैसे करेंगे हम ये वाला चीज़ लिख लेते हैं वन टू फोर एट ठीक है ये चीज़ लिख लेते हैं तो देखिए इसके साथ हम लेते हैं तो देखिए इस पहले के साथ जब यहाँ मैचिंग कराएंगे तो दो सिर्फ हट जाएगा और इतना बचेगा देखिए आठ चार बारह और एक तेरह तो यानी हमारा बचेगा क्या ऊपर तेरह इस ये पूरा हमारा कितना है तेरह है फिर दूसरे को हम मैच कराते हैं तो ये हमारा चार जीरो होगा और एक जीरो होगा और आठ चार कितना हो जाएगा नहीं आठ और दो कितना हो जाएगा दस हो जाएगा तो जोड़ने पर देखिए तेईस आना चाहिए ठीक है जोड़ने पे हमारा कितना आना चाहिए तेईस आना चाहिए तो अब देखिए तेईस आना चाहिए अब इस अगर उत्तर को हम यहाँ से लाएँ देखिए दो वन टू फोर एट यहाँ पर सोलह भी लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पाँच डिजिट में ठीक है अब यहाँ से मैच कराएं तो हमें भाई तेईस मिलना चाहिए देखिएगा एक है तो सोलह पे मिलेगा इधर से पीचेस मिलाते हैं तो ये तीन मिलेगा सिर्फ आठ जाएगा और सोलह बचा रहेगा देखिए सोलह चार बीस दो बाईस एक तेईस तो देख सकते हैं नीचे वाला भी तेईस आ गया और इन दोनों को हमने इस डेसिमल में करके देखा तो तेईस आ गया तो इससे गाइज हमारा क्या होता है प्रूफ्ड हो जाता है कि हमारा ये जो मेथड है करने का बिल्कुल सही है आइए एक दो क्वेश्चन को और करते हैं और इसी तरीके से दोस्तों तीन अंक वाला भी कर सकते हैं आइए जिससे मैं आपको एक तीन डिजिट वाला बता दूँ तीन डिजिट वाला मान लीजिए वन जीरो वन जीरो है इसमें प्लस करना है वन वन जीरो वन करना है और इसमें वन वन, वन मान लीजिए जीरो वन ही करना है ठीक है इस तरह से एक बना लीजिए अब देखिए इसको कैसे करेंगे देखिए वन जीरो करेंगे तो वन होगा और वन में देखिए वन जीरो वन होगा और वन वन कितना हो जाएगा हमारा वन वन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और कैरी कितनी हो जाएगी ऊपर कैरी हमारी एक हो जाएगी अब देखिए वन वन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा कैरी यहां पर चली जाएगी और ये जीरो 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 तो पूरा नीचे तक हमारा जीरो ही मिलेगा अब देखिए इसके साथ करते हैं तो क्या होगा वन जीरो करेंगे तो वन मिलेगा फिर इसके साथ करेंगे देखिए वन वन हो जाएगा तब जब वन वन हो जाएगा तो कैरी यहाँ तुरंत आएगा यहाँ जीरो हो जाएगा और जीरो वन कितना हो जाएगा वन हो जाएगा फिर इसी तरीके से करिए देखिए इसका वन जीरो करेंगे कितना हो जाएगा वन वन करेंगे तुरंत कैरी एक आएगी यहाँ पे देखिए जीरो और जीरो में एक जोड़ेंगे तो वन हो जाएगा वन हो जाएगा और वन वन जब करेंगे पुनः तो हमारा कितना हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा और कैरी हमारी कहाँ चली गई इस तरह से आगे आ जाएगी इस तरह से हमारी कैरी आगे आ जाएगी तो देखिएगा यहाँ पे हमारी कैरी तो आगे आ गई तो देखिए गाइस यहाँ पे देखिए जो कैरी गई ना तो देखिए कैरी इसी के ऊपर लिखे क्यों क्योंकि देखिए जो कैरी है कैरी के साथ ही जुड़े भाई ये हमेशा थोड़ी आगे जाएगा एक कैरी जाएगा तो एक उसके ऊपर ही पड़ा रहेगा फिर देखिए इतना तो आगे इतना आपने समझ लिया देखिए वन वन जीरो हुआ हुआ था तो वन आ गई थी कैरी हमारी यहाँ पे फिर इसके बाद जब यहाँ जीरो वन हुआ तो हुआ वन हुआ फिर यहाँ जीरो हुआ तो वन जीरो बन गया वन जीरो बना तो जीरो लिखे वन यहाँ पे लिख रहा है फिर इन दोनों कैरी को जोड़िए कितना होगा वन जीरो ही लिखते हैं वन वन को जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे वन जीरो लिखेंगे यहाँ से तो बस यहाँ पे वन और जीरो लिख लीजिए और आपका गाइस आंसर हो जाता है अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं इस मेथड को आप थोड़ा सा आगे और बढ़ा लीजिए तीन दो पाँच और यहाँ पे हमारे छः अंक है तो दो आठ सोलह बत्तीस तक कर लीजिए और इसको मैच कर लीजिए आपका आंसर हंड्रेड परसेंट आएगा कि ये सही है या गलत है तो आप देख रहे हैं ना कितने इमेजिंग तरीके से इस तरह कर रहे हैं तो आइए हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं अब देखिए हम कुछ ये नहीं कि हम वही वाला दे रहे हैं हम रैंडमली ही कुछ दे देते हैं अपने मन से दे आप भी बना सकते हैं क्वेश्चन तो आइए एक होमवर्क ले मान लीजिए तीन महीने तो मैं चौथा होमवर्क आपको दे देता हूँ चौथा होमवर्क देता हूँ वन जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन ठीक है प्लस अब मत देखिएगा कि इतना बड़ा है तो नहीं हो पाएगा इसके ऊपर बस कैरी को ध्यान देना और सबको लिखते चलिए वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन ज़ीरो और वन वन जीरो इस तरह से आपको इसको जोड़ के हल करने है और हमें व्हाट्सएप पे भेजने हैं व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आइए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं अगला एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा से लेते हैं वन वन जीरो वन वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन ठीक है प्लस वन ज़ीरो जीरो जीरो वन 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 ज़ीरो वन ठीक है इस तरह से छोटा क्वेश्चन है तो इस तरह से हो जाएगा आपका दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा आइए हम अगला पढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन ठीक है क्या पढ़ते हैं अगला हम अगला हम पढ़ते हैं बाइनरी का सब्सट्रैक्शन बाइनरी का हम क्या पढ़ते हैं बाइनरी का सब्सट्रैक्टर तो दोस्तों हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी यानी बाइनरी को कैसे घटाते हैं इस नियम को समझते हैं इसमें देखिए इसमें भी कुछ रूल्स हैं इन रूल्स को समझ लीजिए कैसे क्या घटाते हैं तो क्या आता है पारा रूल अगर मैं कहूँ दोस्तों जीरो में से जीरो घटाओगे तो जीरो आएगा कहोगे तो मुझे भी पता है तो भैया एकदम सही बात है आपको पता है आइए अगला हम बताते हैं अगर हम कहें वन में से जीरो घटाओगे तो कितना वन प्राप्त होगा कहेंगे तो हमको भी पता है तो चलिए अच्छी बात है आपको पता है अगला चलते हैं अगर हम कहें भैया कि वन में से वन घटाओगे कितना आएगा जीरो तब तो कहोगे तो हमको पहले ही पता है तो आइए अगला हम देखते हैं अगर आपको अगला पता है तो आप बताइए आइए अगर मैं कहूं जीरो में से वन घटाओगे तो क्या आएगा जीरो में से वन घटाओगे तो हम कहेंगे वन आएगा आप कहेंगे कैसे तो देखिए हम बता रहे हैं क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जीरो में से वन तो घटेगा नहीं हमको भी पता है लेकिन दोस्तों जब हम घटाएंगे बाइनरी संख्याओं में ना तो उसके पहले भी तो कोई डिजिट होगी तो वहाँ से एक कैरी आएगा यानी वो बनेगा वन जीरो वन जीरो एक दस मत समझिएगा दोस्त ये बाइनरी में दो डिजिट में इसको दो कहते हैं ठीक है वन जीरो को दो कहते हैं यानी दस नहीं है ये जो आपका जो पहला होता है ना ये आपकी कैरी होता है क्या होता है आपका कैरी होता है जो कि कहीं से आया होता है फिर यहाँ दस बन जाता है दस नहीं मतलब एक प्रकार का दो बन जाता है और यहाँ से घटा देते हैं तो वन बच जाता है तो आइए दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं ये नियम आपको याद रखना होगा ठीक है चाहे जहाँ रहे ये नियम याद करना होगा आइए इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने एक रहा देखिए वन जीरो जीरो और माइनस कर दे वन 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 इस तरह से मान लीजिए कर देते हैं और इसको हम करते हैं देखिए अब देखिए हमने कहा जीरो अब देखिएगा यहाँ जीरो में से एक तो भैया जाएगा नहीं हमको पता है इसके पास गए कैरी लेने के लिए ये भी इसके पास भी नहीं है इसके पास से यहाँ आए तो यहाँ भी कैरी नहीं है फिर इसके पास से यहाँ आए तो ये यह भैया इसके पास है और ये हमको कैरी देगा तो अब हम यहाँ से कैरी लेकर चलेंगे यहाँ 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 अब जब यहाँ आएंगे तो वन ज़ीरो होगा ठीक है क्या होगा वन ज़ीरो होगा और हमें पता है वन जीरो में से वन को जब घटाते हैं तो वन प्राप्त होता है ठीक है फिर अगला देखिए क्या होता है दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कहूँ दोस्तों क्या बचेगा यहाँ पे देखिएगा जब हमारा बच यहाँ कितना बचा यहाँ हमारा जब कैरी एक एक आएगा करके तो यहाँ भी एक हो जाएगा अब यहाँ जीरो वन नहीं होगा वहाँ ओनली वन होगा तो वन मिस वन जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है फिर यहाँ भी कितना बचेगा यहाँ भी तो हमारा एक बचेगा और एक में से एक जाएगा तो जीरो आ जाएगा और यहाँ से जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ वन तो चला गया था तो हमारा बेसिकली क्या बच गया जीरो बच गया तो गाइस आपके जो आंसर है ना यही आ जाते हैं आइए हम इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं तो हमें लिख लेते हैं वन टू फोर और एट वन टू फोर एट तक लिख लेते हैं तो हमें बेसिकली कितना है ये तीन तो जीरो हो जाएंगे इन तीनों को नहीं लिखना है सिर्फ आठ हमारा ये ऊपर वाला आठ है ठीक है माइनस नीचे वाला तीनों करते हैं तो चार और दो छः एक सात देखिए तीनों जगे हुए हैं तो चार दो छः सात और दोनों में एक और देखिए एक आया भी है इससे भैया पता चल गया कि हमारा नियम बिल्कुल सही है हम गलत नहीं कर रहे हैं बिल्कुल सही हमारा जा रहा है चलिए आइए हम इस तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ले लेते हैं जो कि, कि थोड़ा बड़ा टाइप का रहेगा ये देखिए वन जीरो वन जीरो जीरो माइनस माइनस वन जीरो वन वन यहाँ पे नहीं कुछ है तो यहाँ जीरो बढ़ा लीजिए और इस तरह से मैं कहूँ घटा दीजिए तो देखिए इसके कैसे करेंगे इसमें ऊपर कैरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इधर से लोन ले लेकर आएगा यानी कैरी लेकर आएगा तो यहां हो जाएगा वन जीरो वन जीरो में जाएगा तो वन होगा फिर यहां वन बचेगा वन में से वन जाएगा तो जीरो होगा फिर यहां जीरो हो जाएगा ठीक है यहां जीरो हो जाएगा जीरो में जीरो जाएगा तो जीरो फिर यहां से कैरी जाएगा तो कितना हो जाएगा वन जीरो हो जाएगा वन जीरो हो जाएगा वन जीरो में जाएगा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा और ये आपका यहां बचेगा जीरो क्योंकि जीरो में जीरो हो जाएगा और गाइस आपका आंसर यही हो जाता है कुछ करने की जरूरत नहीं यार आपके सामने रिजल्ट रहा आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी तरीके का इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन सभी हैं ये सब अपने मैं रैंडमली मैं ले रहा हूं तो मालिक जिए वन 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 है जीरो वन जीरो है माइनस मैं कह दूं इसमें से घटा दीजिए वन जीरो वन वन अब इसमें से मैं कह दूँ इसको घटाइए तो आप क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ से जब कैरी लेंगे तो क्या जाएगा वन जीरो वन जीरो में जाएगा वन यहाँ जीरो बच गया अब यहाँ भी भैया जीरो बच गया तो कैरी तो है ही नहीं यहाँ जाएंगे किसके पास भी नहीं है और आगे बढ़े किसके पास कैरी है तो यहाँ से लेकर आए हम यहाँ पे वन जीरो वन जीरो में से वन जाएगा तो वन होगा फिर यहाँ वन बचा यहाँ वन बचा तो वन में से जीरो जाएगा तो कितना वन बचेगा और यहाँ जीरो बचा फिर से नहीं जाएगा फिर से यहाँ से कैरी लेंगे तो वन जीरो में से वन जाएगा वन बचेगा फिर यहाँ वन था तो यहाँ जीरो हो जाएगा वहाँ वन हो जाएगा तो गाइस आपका आंसर यही हो जाता है आप मैच करना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज करके इसको मिला सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है आइए हम अगला एक क्वेश्चन देखते हैं मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर फोर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर हम देखते हैं मान लीजिए इस तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा वन लिख के वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो इस तरह से माइनस मैं कर दूं माइनस अगर मैं कर दूं यहां से जीरो वन 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 इस तरह से मैं कह दूँ इसको घटाइए थोड़ा बड़ा टाइप का है तो देखिए इसको कैसे करेंगे अब यहाँ से भैया कहीं नहीं जाएगा कहीं नहीं लोन मिल रहा है हम लोन ले लें इसके पास चले गए अब लोन लेकर भैया यहाँ पे चले आए तो वन जीरो में से वन जीरो में से वन जाएगा कितना होगा वन बचेगा वन यहाँ वन बचेगा वन मेस वन जाएगा जीरो वन मिस वन जाएगा जीरो यहाँ लेकिन वन रहेगा वन मेंस जीरो जाएगा तो वन और यहाँ वन रहेगा वन में जीरो जाएगा तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या बचेगा वन मेस वन जाएगा जीरो और यहाँ पे वन बचेगा तो गाइस आपका जो आंसर है ना यही हो जाता है आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं तो इसी तरीके से यार कर सकते हैं आइए एक दो क्वेश्चन और बड़ा बता देते हैं आपको जो कि इसी तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मान लीजिए पांचवा नंबर क्वेश्चन लेते हैं मान लीजिए वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन इस तरह से माइनस कर लेते हैं यहाँ से कर लेते हैं आपका बेसिकली वन जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो ठीक है इस तरह से मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन बना लिया अब देखिए इसको कैसे करेंगे वन में से वन जाएगा वन में जीरो जाएगा तो ना वन ही बचेगा जीरो में जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा यहाँ नहीं जाएगा देख कैरी लेगा कैरी लेगा तो वन जीरो में वन जीरो में से वन जाएगा तो वन होगा यहाँ पे जीरो होगा वन में से वन जाएगा तो जीरो जीरो में जीरो, जीरो जीरो वन में से वन जाएगा तो जीरो यहाँ पे वन तो गाइस आपका आंसर ये हो जाएगा आइए दोस्तों ये तो पेज फिर हो चुका है मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ जिसपे मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ होमवर्क दे देता हूँ एक दो आप इसको सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे चलिए छठा नंबर मान लीजिए क्वेश्चन है मान लीजिए कि ये छठा नंबर क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन आप होमवर्क लिखिए वन वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन वन इस तरह से माइनस जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन आपका बेसिकली यहाँ पे वन हो गया इस तरह से कर लीजिएगा इस तरह इसको सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दिया गया है अगला है सातवां सातवां यहाँ पे अगला हम चलते हैं तो क्या आ जाएगा वन वन जीरो वन 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 जीरो वन 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 इस तरह से माइनस करते हैं जीरो जीरो वन वन जीरो वन 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 जीरो वन वन इस तरह से भाई आपका हो गया तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा व्हाट्सएप भेज दीजिएगा चलिए दो क्वेश्चन बहुत है होमवर्क के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए आप इस तरीके से यार बना सकते हैं मैंने कहीं दू बुक वगैरह नहीं देखी अपने मन से ही बना दिया और ठीक है अब नहीं कि मैं इसका आंसर भी बता दूँ आंसर का हल करके ही बता सकता हूँ ठीक है व्हाट्सअप भेजेंगे हम वहाँ पर हल करके मैं मिला लूँगा आपको मतलब इसको सॉल्व करके भेजिएगा अगला चलते हैं गाइस मल्टीप्लीकेशन की तरफ ठीक है यानी गुना की तरफ गुना आपको इसका आना चाहिए बाइनरी का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनरी बाइनरी का आप मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे तो दोस्तों अब देखिए इसकी कुछ नियम्स होते हैं रूल्स होते हैं उनको आपको समझना बहुत जरूरी है ठीक है अगर मैं कहूँ दोस्तों जीरो में जीरो का गुड़ा करेंगे तो जीरो आप कहेंगे हमको भी पता है तो अच्छी बातें भाई आपको पता है दूसरी अगर मैं कहूँ जीरो कूड़े वन करेंगे तो भी कितना है गर? जीरो आप कहेंगे हमको ये तो और पहले पता था तो अच्छी बातें भाई आपको पता है अब देखिए अगर मैं कहूँ वन गुढ़े जीरो करेंगे कितना आएगा जीरो तो आप कहेंगे अरे भाई ये तो हमें बचपन से ही बताए गए हैं अगला हम चलते हैं दोस्तों अगर मैं कहूँ वन बूढ़े वन तो आपको पता है कि वन जो कि आप हमेशा सीखते आए हैं तो कहने का मतलब गूढ़ा के फॉर्म में इस तरह से होते हैं इन्हीं नियम को अप्लाई करके हम बड़े से बड़ा गूड़ा को भी हम सॉल्व कर सकते हैं आइए हम दोस्तों पहले एक छोटा सा मल्टीफिकेशन लेते हैं फिर हम बड़ा वाला तो देखेंगे ही ठीक है तो पहले सबसे पहले इसी के एक छोटा वाला लेकर देखते हैं मान लीजिए वन 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 जीरो वन गुड़े वन जीरो से मैं कह दूं कि की गुड़ा कीजिए तो आप गए दोस्तों इसको कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहला इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो अब देखिए जीरो में सबका मल्टीप्लीकेशन होगा तो जब देखो जीरो में सबका होगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ जीरो 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 चार जीरो हो जाएगा एक यहाँ पे कट कुट लगा देते हैं या तो छोड़ देते हैं अगर कट कुट लगा लेंगे थोड़ी जोड़ने में आसानी हो जाती है सीधे सीधे लिखना पड़ता है फिर देखिए वन में वन का करेंगे तो हमको पता है वन वन में जीरो करेंगे तो आपका जीरो वन में वन करेंगे तो वन और वन में वन करेंगे तो वन होगा अब देखिए इसको गाइस अब अब यहाँ पे आपको अगर ऐड नहीं आता होगा यानी जोड़ना नहीं आता होगा तो गूढ़ा कर लिए लेकिन ऐड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका यहाँ से आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पे वन हो जाएगा यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन और यहाँ पे वन और गाइस आपका जो आंसर है ना वो यही हो जाएगा बिल्कुल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपके सामने ये रहा आंसर आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन एक इसी तरीके का ले लेते हैं और उसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है ठीक है मान लीजिए वन वन जीरो, वन जीरो वन जीरो वन गुड़े वन वन ठीक है इस तरह के क्वेश्चन ले लिए गुड़ा तो कर लोगे लेकिन जोड़ना आना चाहिए ठीक है तो वन का करेंगे तो भाई सब वही आ जाएंगे कोई दूसरा थोड़ी आएगा यहां पे वन का वन आएगा जीरो आएगा वन आएगा जीरो वन वन ही आ जाएगा कट एक लगाएंगे फिर इसी तरह लिखेंगे वन जीरो वन जीरो वन वन यही हो जाएगा अब देखिएगा जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा वन वन देखिए वन प्रकार का जीरो तो वन हो जाएगा यहाँ भी वन यहाँ भी वन यहाँ भी यहाँ भी यहाँ वन वन कितने हो जाएंगे वन वन जीरो हो जाएंगे लेकिन कैरी वन जाएगा और वन वन कितने हो जाएंगे जी वन जीरो होते हैं तो वन जीरो इस तरह से पूरा लिखेंगे तो गाइस आपका आंसर यही हो जाएगा तो इस तरीके से यार मल्टीप्लीकेशन करते हैं अगर आपको जिसे चेक इन कर चेक करना है कि भैया हमारा बिल्कुल सही है या गलत है तो आइए दोस्तों ये छोटा क्वेश्चन है ताकि ज़्यादा समय ना लगे हम आपको इसको प्रूफ करके दिखा दें इसको भी हम लिख लीजिए वन टू फोर एट इस फॉर्म में लिख लेंगे अगर इसको जोड़ेंगे क्या होगा आठ देखिए आठ और चार आठ चार बारह एक तेरह यानी ऊपर तेरह हो गया गुड़े वन जीरो क्या लिखते हैं दो लिखते हैं ठीक है वन जीरो क्या लिखते हैं दो लिखते हैं अब इसको गुड़ा करेंगे तो हमारा छब्बीस आ गया अब हम इसको भी तो देख लें छब्बीस आया कि नहीं तीन दो पाँच है तो इसको आगे एक बढ़ा लीजिए छब्बीस आना चाहिए तो देखिएगा सोलह और आठ देखिएगा सोलह और आठ जुड़ेगा और चार और एक हमारे मतलब छिप जाएंगे एक प्रकार से समझिए जीरो के समय जीरो हट जाएंगे मतलब तो ये दोनों जीरो बन जाएंगे तो देखिए आठ दो दस हो जाएंगे दस सोलह कितने छब्बीस तो इससे गाइस हमको प्रूफ हो जाता है कि हाँ भैया ये मल्टीप्लिकेशन काम कर रही है ट्रिक बिल्कुल सही काम कर रहा है तो आइए दोस्तों इसी तरीके से के लिए आपको हम कुछ आपको यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं दो तीन बता दिए भाई तो आप होमवर्क ले लो प्रैक्टिस करना मान लीजिए तीसरा होमवर्क आपके लिए रहा तो क्या ले लेते हैं वन जीरो वन वन जीरो वन गुड़े वन वन जीरो वन इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है आप इसको सॉल्व कीजिएगा हमें व्हाट्सएप पे भेजिएगा अगला एक इस तरह से ले लेते हैं वन जीरो 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 वन वन ज़ीरो गुड़े ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो इस तरह से आप मल्टीप्लाई इसका कीजिए अगला लेते हैं एक और दे देते हैं आपको अगला हमारा वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए व्हाट्सअप पे भेजिए तो गाइस इस तरह से आपने बाइनरी का पूरा यानी आपके 20 मिनट लगे यार लेकिन आपने बाइनरी मतलब बाइनरी से बुरा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सब कुछ सीख लिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यदि पसंद आई ना तो प्लीज़ लाइक कर देना यार और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और नए हो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हम इसी तरीके से आप लोग के लिए डेली वीडियोज़ बनाते रहते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई डाउट्स या सुझाव रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा वीडियो भी पर इंट करता हूँ मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर एट में तब तक के लिए गुड बाय